गया है। जन्माष्टमी यानी अष्टमी दो अर्थों में लेंगे, एक तिथि है इसलिए अष्टमी, आ गया जन्माष्टमी। कहने की जरूरत नहीं कि माता और पिता कौन थे, आप जानते होंगे कौन थे। और कोई देवकी सही है, वासुदेव जो बोल रहे हैं उसमें थोड़े सुधार की आवश्यकता है। वसुदेव, वसुदेवस्य अपत्यहिति वासुदेवः, जो वसुदेव का पुत्र है वो वासुदेव है। तो वसु का मतलब होता है रत्न, धन, और देव की का अर्थ होता है जो मैनेज कर सके, मैनेज करे। तो जो भी कीर्ति है, जो भी धन है, जो भी संपत्ति है, उसको जो मैनेज करने वाली बात होती है, उसके पुत्र जो होते हैं कृष्ण होते हैं। कृष्ण शब्द का भी एक विशेष अर्थ है। संस्कृत जिन्होंने पढ़ी है, संस्कृत को की जानकारी जिन्हें है, वे ध्यान से सुन लें। कृष्ण हुए या ना हुए, हो सकता है वाद विवाद की बात हो, मानने ना मानने की बात हो, लेकिन शाब्दिक, लाक्षणिक और साहित्यिक इसका अर्थ है कृष्ण। नह मतलब होता है हम लोगों को, कृष्ण मतलब होता है जोतना। जोतना कब जोतते हैं? जब हमारे खेत में घास फूस ज्यादा होते हैं, जब खेत खाली होता है, घास फूस ज्यादा होते हैं, उस समय हम खेत को जोत करके सफाई करते हैं। उसी तरह से समाज में ढेर सारे अवांछित चीजें जिनकी जरूरत नहीं होती है, वो हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं, समाज में घर कर जाती हैं, उनको हटाने वाला जो है वो कृष्ण है। इसलिए कृष्ण नेता है, कृष्ण भगवान है ना है ये अलग बात है। आप हो सकता है हिंदू है तो भगवान मानो, हिंदू के अलावे हो तो नहीं मानो। कारण दूसरा, कृष्ण सबसे बड़ा शिक्षक है। अर्जुन, क्लास 9-10 के बच्चे अर्जुन का अर्थ समझते हैं क्या होता है। अर्जुन क्लास 9-10 के बच्चे बच्चियां, अर्जुन शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्जुन का साहित्यिक अर्थ होता है ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला, प्रश्न पूछने वाला, एक शब्द में कहे तो जिज्ञासु। कृष्ण जन्माष्टमी है। कहानी वगैरह आप तो किताब से पढ़ लेंगे, बहुत सारा मूवी है, बहुत सारा टीवी पर सीरियल आते ही रहता है, देखते ही होंगे। इतना तय है कि अगर आप समस्याओं से लड़ने का मुद्दा रखते हो, संकटों से जूझने का साहस रखते हो, तुम बैठ जाओ बच्चे, आप लोग बैठ जाओ। गीता के बारे में लोग कहते हैं, सामान्य रूप से जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जिन्हें जानकारी नहीं है कि ये हिंदू धर्म की किताब है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इसको बतलाया है। अमेरिका, वहां किस धर्म की प्रधानता है? अमेरिका में किस धर्म की प्रधानता है? क्रिश्चियन धर्म की प्रधानता है, बहुतायत वहां क्रिश्चियनिटी का है। लेकिन जो व्हाइट हाउस है उसमें कृष्ण के ऊपर सेमिनार का आयोजन किया गया है। जो मैनेजमेंट उसका जो यूनिवर्सिटी है उसमें मैनेजमेंट के रूप में गीता की पढ़ाई की जाती है, अभी शुरू कर दी गई है।